इस साल चैत नवरात्रि 9 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। रामनवमी पर नवरात्रि का समापन होगा। वहीं ज्योतिष आचार्य पंडित पंकज पाठक ने लोकल 18 को बताया कि हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा भक्तों के बीच धरती पर निवास करती है। साथ ही चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। इस बार चैत नवरात्रि पर माता घोड़े पर सवार होकर आएगी। जानिए देवी के इस नौ वाहन का क्या है संकेत। चैत्र नवरात्रि चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा अर्थात गुड़ी पड़वा से प्रारंभ होती है और इसे चैत्र नवरात्रि या बासंती नवरात्रि भी कहते हैं। इस वर्ष यह 9 अप्रैल 2024 से प्रारंभ होगी और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार नवरात्रि में भगवती जगदम्बिका दुर्गा अपने विभिन्न रूपों को धारण करके पृथ्वी पर भ्रमण करने आती हैं और जो साधक तो भक्त उनका पूजन पाठ अर्चना करता है उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि को प्रदान करती हैं। यह चैत्र नवरात्रि जो है शक्ति समाराधन का महापर्व है। दुर्गा सप्तशती में लिखा है यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो जिस कामना से भगवती की नवरात्रि में आराधना करता है तो भगवती यदि प्रसन्न होती हैं तो उसकी वह मनोकामना निश्चित पूर्ण करती हैं। आप जिस भी कामना से नवरात्रि में भगवती का पूजन करेंगे वह आपकी कामना निश्चित ही पूर्ण होगी, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, स्वचंडी का पाठ करें या ब्राह्मणों के द्वारा कराएं, अखंड ज्योति के द्वारा जवारे बोकर के देवी अथर्वशीर्ष का पाठ करें, देवी सूक्त का पाठ करें, नवार्ण मंत्र का जाप करें और विशेष रूप से राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी नवरात्रि में किया जा सकता है। 9 अप्रैल को सूर्य उदय के साथ एक दिन पूर्व 8 अप्रैल को प्रतिपदा तिथि लग जाएगी, लेकिन हमारे यहाँ सूर्य उदय से भी इससे ही किसी व्रत की मान्यता रहती है, इसलिए 9 अप्रैल को सूर्य उदय के साथ प्रतिपदा तिथि को मान करके सायंकाल में लगभग 8:30 बजे तक यह तिथि उपस्थित रहेगी। इसमें आप घट स्थापना करिए। प्रातः काल का जो मुहूर्त है वो 6 बजे से लगभग 10:15 तक 4 घंटे का यह मुहूर्त है, इसमें आप घट स्थापना इत्यादि कर सकते हैं। मध्यान्ह काल में अभिजीत मुहूर्त में 11:57 से 12:48 तक 51 मिनट का यह अभिजीत मुहूर्त रहेगा। इस मुहूर्त में आप घट स्थापना कर सकते हैं, अखंड ज्योति प्रारंभ कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पंचांगों में जो चौघड़िया से मुहूर्त रहते हैं या लग्न के अनुसार जो स्थिर लग्नों के मुहूर्त रहते हैं उन मुहूर्तों से भी हम घट स्थापना करके अपनी पूजन आराधना को प्रारंभ कर सकते हैं। इस बार जो नवरात्रि है वह पूरे 9 दिन की नवरात्रि है, कोई तिथि घट नहीं रही है, तिथि का क्षय नहीं हो रहा है, दिन कम नहीं हो रहे हैं, पूरे 9 दिन की नवरात्रि है। जब पूरे 9 दिन की नवरात्रि रहती है तो उसको अति शुभ माना जाता है, विशेष प्रकार से शुभ माना जा सकता है। तो नवरात्रि में हम देवी की आराधना करें, देवी की आराधना करके धन लाभ होगा, संतान लाभ होगा, पुत्र लाभ होगा, सुख शांति समृद्धि की हमको प्राप्त होगी, राजनीतिक क्षेत्र में विजय की प्राप्ति होगी, शत्रु का नाश होगा, शत्रु नष्ट होंगे, प्रतिद्वंदी जो हैं वह दूर होंगे, समाप्त होंगे, सुख शांति समृद्धि की हमको प्राप्ति होगी और भगवती की विशेष आराधना करने से बड़े बड़े रोग महामारी जनित रोग भी शांत हो जाते हैं, ऐसा दुर्गा सप्तशती में लिखा है। तो आइए आने वाली जो नवरात्रि है इस नवरात्रि में हम सभी मिलकर के राष्ट्र के कल्याण के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए भगवती दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की आराधना करें और पुण्य लाभ को प्राप्त करें।